हर वर्ष बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष नहीं निकाली गई। दरअसल कोरोना के चलते इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकालने परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई, जिसके चलते मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ की पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कोरोना के चलते प्रशासन के द्वारा रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, जिस कारण से मंदिर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के साथ भक्तों को दर्शन करने दिए गए। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और यदि ऐसे में रथ यात्रा निकाली जाती तो सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना हो पाता, साथ ही कोरोना संक्रमण के फैलने का डर भी बना रहता। ऐसी स्थिति को देख प्रशासन ने रथ यात्रा न निकालने का निर्णय लिया। आज जो शोभा यात्रा निकलती थी, आज जगन्नाथ जी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती थी, वह शोभा यात्रा शासन के द्वारा कोरोना के रहते हुए परमिशन नहीं दिया गया, जिसके कारण मंदिर में ही जो है तो पूजन पाठ किया जा रहा और डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार से अव्यवस्थाएँ ना हों, और शासन भी उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद है और व्यवस्थाएं उसी सुचारू रूप से बनाया हुआ है, शासन ने बनाई है और हम लोग भी उसी प्रकार से बना करके चल रहे हैं। जैसा कहा जाता था जगन्नाथ जो भगवान है वो मौसी के यहाँ जाते थे, फिर तो अब हाँ, इस बार कैसा रहेगा? इस बार मौसी जी के यहाँ ना जा पाएंगे, ये इस बार वहीं यथावत जिस स्थान में भगवान जी थे वहीं पर रहेंगे, क्योंकि कोरोना को देखते हुए ये सब निर्णय लिया गया। जितने दिन अब ये निरंतर यहीं पर, इस वर्ष नहीं जाएंगे, इस बार स्थायी रूप से यहीं पर रहेंगे। 13 दिन? हाँ, पूरे समय तक ही। अब अगले वर्ष जिस प्रकार से रथ यात्रा निकलती थी उसी प्रकार से फिर परंपरा अनुसार उसी प्रकार से निकलेगी। आप अपना नाम? हाँ, पंडित देवेंद्र त्रिपाठी, पुजारी, जगदीश मंदिर। थैंक यू।